महाराष्ट्र में 12,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन उनके लिए भाजपा सरकार की जेब से मदद नहीं निकली। क्या हम जनादेश के खुले अपहरण के दौर में पहुंच चुके हैं? इससे पहले प्रियंका गांधी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला जारी रखते हुए फिर चुनावी बांड का मुद्दा उठाया था। उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बांड बेचने की इजाजत दी थी। प्रियंका ने अपने सिलसिलेवार ट्वीटों में कहा, चुनावी बांड के जरिए दान के मामले में एक रिपोर्ट से 4 खुलासे हुए हैं। कल भाजपा सरकार के मंत्री ने प्रेस के सामने एक मुड़ा तुड़ा कागज पढ़ा था, लेकिन इन सवालों के जवाब कहाँ हैं? महाराष्ट्र में भारी उठापटक के बीच अजीत पवार के समर्थन से देवेंद्र फडणवीस ने अपनी सरकार बना ली। फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली। इस पर शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। इन पार्टियों का कहना है कि फडणवीस के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, उसके बावजूद राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। हालांकि बीजेपी के विधायकों ने रविवार को हुई बैठक में महाराष्ट्र विधानसभा में प्रचंड बहुमत साबित करने का संकल्प लिया गया। पार्टी के एक शीर्ष नेता ने कहा कि सदन के टेबल पर बीजेपी बहुमत सिद्ध करेगी।